Welcome, my dear students, to another session of Maharashtra CT Previous Question Series. And you can connect with me on Telegram at A D I T Y A K T and join the Telegram group at So let us start the session. Question number one of the session: If a and b are both twin prime numbers such that a is equal to b plus two, then how many such pairs can be found in the first hundred natural numbers? प्राइम्स और डेफिनेशन ऑफ क्या है डेफिनेशन क्या है ट्विन प्राइम्स का डिफरेंस बिटवीन देम शुड इक्वल टू टून हाउ मेनी सच पेयर कैन वी फाउंड इन द फर्स्ट हंड्रेड नेचुरल नंबर्स तो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या होगा इफ यू टेक थ्री एंड फाइव तो दीज आर ट्वेंट प्राइम्स थ्री एंड फाइव सिमिलरली फाइव एंड सेवन ठीक है पेयर तो डिफरेंट है फाइव एंड सेवन नेक्स्ट क्या आ सकता है नेक्स्ट विल भी एलेवन थर्टीन ऑल्सो अगर हम स्टार्टिंग के थ्री और फाइव को नजरअंदाज करें तो इन जनरल जो हमारे प्राइम नंबर्स होंगे दोज विल प्लस वन और सिक्स के माइनस वन ठीक है इज इट्स ऑड होगा पहली बात ये तो क्लियर है ठीक है और सिक्स के प्लस वन के फॉर्म में होगा या सिक्स के माइनस वन के फॉर्म में होगा यानी सिक्स के मल्टीपल से या तो एक ज्यादा होगा या फिर एक कम होगा सिक्स के प्लस थ्री नहीं हो सकता बिकॉज दिस इज अ मल्टीपल ऑफ थ्री सो तो जब भी हमें ट्विन प्राइम्स मिलेंगे तो एक नंबर होगा जो कि सिक्स के मल्टीपल से एक कम होगा और नेक्स्ट नंबर हमारा सिक्स के मल्टीपल से एक ज्यादा होगा क्या ये बात क्लियर है तो हमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं नंबर्स को चेक करना है फाइन जैसे कि इलेवन और थर्टीन मिला ट्वेल्व माइनस वन एंड ट्वेल्व प्लस वन ठीक है तो इलेवन से सिक्स आगे क्या होगा सेवनटीन सेवनटीन एंड नाइनटीन यस दैट इज ऑल्सो अ पेयर अच्छा सारे ऐसे पेयर्स प्राइम नहीं होंगे ठीक है जो प्राइम होंगे उनमें ऐसा केस पॉसिबल है वेरी इंपॉर्टेंट सारे ऐसे पे प्राइम नहीं होंगे जो प्राइम होंगे वहां पे ऐसा केस पॉसिबल है अब 17 प्लस सिक्स किया हमने किया तो 23 पे पहुंचे बट 23 थ्री एंड ट्वेंटी क्या ये प्राइम है ट्वेंट प्राइम है बट ट्वेंटी फाइव कॉम्पोजिट है ट्वेंटी थ्री तो प्लस सिक्स ट्वेंटी नाइन एंड थर्टी वन यस दीज टू आर ऑल्सो प्राइम्स देन अगेन प्लस सिक्स करो थर्टी फाइव एंड थर्टी सेवन तो थर्टी फाइव प्राइम नहीं है ठीक है नहीं है देन फोर्टी वन फोर्टी थ्री यस दिस इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन दिस इज ऑल्सो पेयर दोनों ही प्राइम्स हैं फोर्टी वन प्लस सिक्स फोर्टी सेवन फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन प्राइम नहीं है तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ कॉम्बिनेशन फिफ्टी थ्री फिफ्टी फाइव अगेन नॉट अ कॉम्बिनेशन फिफ्टी नाइन सिक्सटी वन यस दिस आर ऑल्सो देन सिक्सटी फाइव सिक्सटी सेवन अगेन नॉट अ कॉम्बिनेशन सेवेंटी वन सेवनटी थ्री इज ऑल्सो ये दोनों प्राइम है देन सेवेंटी सेवन सेवनटी नाइन नो सेवेंटी सेवन इज नॉट प्राइम और फिर 83, 85, 85 इज नॉट प्राइम देन 89, 91, 91 वन इज नॉट प्राइम और लास्टली 95 एंड 97, 95 इज नॉट प्राइम सो बेसिकली कितने मिले हमें थ्री फाइव फाइव सेवन यानी टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड टोटल एट पेयर्स ऑप्शन बी इज द आंसर इज इट क्लियर ठीक है और बाकी अननेसेसरी जो लिखे हैं वो बस समझाने के लिए लिखे हैं एग्जाम में तुम इतना थोड़ी लिखोगे जो काम किया सिर्फ उनको ही सीधे सीधे लिखोगे स्ट्रेट अवे ठीक है नेक्स्ट दो नंबर्स को लिखना भी जरूरी है एक नंबर को ही लिख दोगे उससे समझ में आ जाएगा कि हाँ ये पेयर का पार्ट होगा लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम थर्टी मीटर्स लॉन्ग ट्वेंटी फोर मीटर्स ब्रॉड एंड एटीन मीटर्स हाई टू फाइंड लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड तो जब भी हम एक क्यूबॉइड फॉर्म कर रहे हैं लॉन्गेस्ट लेंथ क्या होगा वहां पर तो कि रॉड का रखा जा सकता है इन अ क्यूबॉइड सो द लॉन्गेस्ट लेंथ विल बी द बॉडी डाइग्नल फ्रॉम वन पॉइंट टू द ऑपोजिट वर्टेक्स ठीक है और यह लेंथ क्या आने वाली है हमारी ये लेंथ क्या आने वाली है इफ वी चेक तो कैन वी से दैट दिस इज द राइट एंगल ट्राएंगल इट सो ठीक है इफ दिस इज ए दिस इज लेंथ दिस इज ब्रेथ दिस इज हाइट तो इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल अगर हमें

क्लियर तो स्टेटअपे हमारा आंसर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ थर्टी स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फोर स्क्वायर प्लस एटीन स्क्वायर और सिक्स का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है तो सिक्स बाहर आ जाएगा ठीक है स्क्वायर रूट ऑफ सिक्स का स्क्वायर इंटू फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव प्लस फोर का स्क्वायर सिक्सटीन प्लस थ्री का स्क्वायर नाइन और सिक्स का स्क्वायर बाहर आके सिक्स ही बन जाएगा और अंदर बच गया हमारा रूट ऑफ़ ट्वेंटी फाइव प्लस सिक्सटीन इज फोटी वन प्लस नाइन फिफ्टी सिक्स रूट फिफ्टी थर्टी रूट टू अवर आंसर विल बी थर्टी रूट टू ऑप्शन ठीक है ऑल्सो जब हम डायगनल निकाल रहे हैं तो यह तो क्लियर है कि थर्टी मीटर लॉन्ग जब हमारा एक ही थर्टी मीटर है क्लियरली फिफ्टीन रूट टू तो आंसर ही नहीं हो सकता इज एंड सो क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अरुण प्रेजेंट एज इज फोर्टी परसेंट ऑफ बरूंस एंड इन अदर फ्यू इय

बट अगर हमें कंपेयर कराना है दोनों चीजों को तो क्या करना पड़ेगा जो डिफरेंस है एज में हमेशा इधर रखना है कि एज में जो डिफरेंस है दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा डिफरेंस तो कांस्टेंट रहेगा जिस स्पीड में अरुण की एज बढ़ेगी उसी स्पीड में वरुण की एज बढ़ेगी दोनों की सेम बढ़ेगी एक साल में दोनों एक साल बढ़ेंगे ऐसा नहीं होगा एक एक साल बढ़ जाएगा दूसरा दो साल बढ़ जाएगा ऐसा नहीं पॉसिबल है ठीक है तो डिफरेंस हमें सेम रखना पड़ेगा पहले वाले केस में डिफरेंस आ रहा है थ्री यूनिट्स का तो सेकंड केस में डिफरेंस थ्री यूनिट्स करना पड़ेगा थ्री से मल्टीप्लाई कर दो क्लियर अब डिफरेंस सेम हो गया यानी कि वरुण की इनिशियली एज अगर 5 यूनिट्स है तो फाइनली वरुण की एज कितना है 6 यूनिट्स हो गई अगर 5 यूनिट्स से वरुण की एज 6 यूनिट्स हो रही है तो कितना इंक्रीज हो रही है वन यूनिट इंक्रीज हो रही है बेस वैल्यू है 5 तो वन 1 फाइव का चेंज आ रहा है व्हिच इज 20% ऑप्शन सी सॉरी ठीक है तो 20% आ जाएगा आंसर क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मर्चेंट हैजन थाउजेंड किलोग्राम्स ऑफ शुगर पार्ट विच हीसेंट प्रॉफिट एंड रेस्ट एट 18 परसेंट प्रॉफिट और ओवरऑल उसको प्रॉफिट हो रहा है 14 का तो क्वांटिटी सोल्ड एट 18 परसेंट प्रॉफिट होगा सिंपल केस ऑफ एलिगेशन 8 परसेंट कुछ प्रॉफिट कुछ पार्ट सोल्ड किया है और कुछ किया है एटीन परसेंट पे और ओवरऑल आ रहा है फोर्टीन परसेंट फोर्टीन माइनस एट इज सिक्स एंड एटीन माइनस फोर्टीन इज फोर तो फोर इश्टो थ्री का रेशियो होगा फोर इश्टू सिक्स का रेशियो होगा टू इशू थ्री का रेशियो होगा और क्वेश्चन पूछा क्वांटिटी सोल्ड एट एटीन परसेंट प्रॉफिट टोटल कितना है वन थाउजेंड के जी ठीक है तो टू इशू थ्री यानी टोटल कितना आ गया फाइव यूनिट्स और फाइव यूनिट्स है हमारा वन थाउजेंड के जी वन यूनिट आ जाएगा टू हंड्रेड के जी और क्वेश्चन ने पूछा है एटीन परसेंट वाला यानी कि थ्री यूनिट्स की वैल्यू तो थ्री यूनिट्स हो जाएगा हमारा थ्री इंटू टू हंड्रेड दैट विल बी सिक्स हंड्रेड के जी ऑप्शन ई ट क्लियर ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन एवरेज ऑफ फाइव नंबर्स वन जीरो सेवन नाइन पॉइंट जीरो हाउ मच मोर देन दोवेस्ट नंबर एवरेज फाइंड आउट करना है सबसे पहले तो यूनिट जेट्स को देखें अगर सबसे पहले डेसिमल की बात की वैल्यूज को देख लेते हैं दिस इज पॉइंट जीरो सिक्स दिस इज पॉइंट टू तो ध्यान रखना है पॉइंट टू जीरो है इफेक्टिवली ठीक है दो डिजिट में लेके जाओ दिस इज पॉइंट टू फो दिस इज पॉइंट सेवन फाइव तो सिक्स प्लस ट्वेंटी इज ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी फोर इज फिफ्टी प्लस सेवेंटी फाइव इज वन ट्वेंटी फाइव तो वन पॉइंट टू फाइव तो आया हमारा डेसमल्प के बाद की वैल्यूज क्लियर है फिर आगे हमारा सेवन सेट को फोकस करो सेवन प्लस वन इज एट एट प्लस टू इज टेन अब लास्टली हंड्रेड प्लस नाइन्टी वन नाइन्टी प्लस फिफ्टी टू फोर्टी प्लस टू हंड्रेड टेन फोर फिफ्टी प्लस वन हंड्रेड टेन

ओके क्लियर है ऑप्शन ए इज द आंसर ओके यहाँ पे देखो एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा अपन तुक्का नहीं लगा सकते ठीक है क्योंकि जब तक बाकी नंबर्स के बारे में आइडिया नहीं होगा तब तक हम स्ट्रेट अवे कह नहीं सकते कि हमारा जो नंबर आएगा वो क्या आएगा किस ऑर्डर में आएगा हाँ ये जरूर हो सकता था यहाँ पे इस केस में इतना जरूर ठीक है क्योंकि एग्जैक्टली क्या है कि अगर तुम सोचो कि 1.25 से हमें आइडिया लगेगा ये तो पता चल सकता है 1.25 से कि लास्ट में हमारा 0.25 आएगा डेसिमल में ठीक है बट वो भी तब जबकि हमें उसका आगे का पता हो मामला जब यूनि डूज को ऐड करेंगे बिकॉज जब यूनिड को ऐड करेंगे टेन के बजाय कोई और नंबर आता तो वहाँ से भी फ्रैक्शन में पार्ट आया था इसलिए यहाँ पर हमें कंप्लीट एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा कोई और तरीका नहीं है ठीक है कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है ईजी काम है नेक्स्ट क्वेश्चन अबैक कंटेंस वन रुपी फिफ्टी पैसे एंड ट्वेंटी फाइव पैसे कॉइन्स इन द रेशियो ऑफ एट इसी द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन द बॉक्स रुपीज वन वन टू पॉइंट फाइव जीरो नंबर ऑफ फिफ्टी पैसा कॉइन्स क्या होगा तो वन रुपी के कॉइन्स कितने हैं एट यूनिट्स में रेशियो में और फिफ्टी पैसे के फाइव और ट्वेंटी फाइव पैसे के तो अगर हम एज्यूम कर लें कि एट फाइव और थ्री ही एक्चुअल वैल्यू है इन कॉइंस का तो एट इंटू वन रुपीज़ हो जाएंगे वैल्यू में फाइव इंटू फिफ्टी पैसे टू पॉइंट फाइव हो जाएंगे और थ्री इंटू ट्वेंटी यानी कि पॉइंट सेवन फाइव हो जाएंगे तो सम कितना आ जाएगा इनका एट प्लस टू पॉइंट फाइव टेन पॉइंट फाइव प्लस पॉइंट सेवन फाइव यानी कि एलेवन पॉइंट

कह रहा है फाइव टाइम्स द पॉजिटिव नंबर इज लेस देन इट्स स्क्वायर तो स्क्वायर हुआ एक्स स्क्वायर और फाइव टाइम्स द नंबर एक्स तो एक्स स्क्वायर और फाइव का जो डिफरेंस है दैट इज ट्वेंटी फोर और फाइव एक्स लेसर है ठीक है ऑर्डर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स इज ट्वेंटी फोर एक्स इंटू एक्स माइनस फाइव इज ट्वेंटी फोर अब दो तरीके हैं या तो तुम क्वाड्रेटिक uh, बना के उसको सॉल्व करो या फिर वैसे ही देख लो एक्स और एक्स माइनस फाइव में फाइव का डिफरेंस है और ट्वेंटी फोर को इस तरह से हमें फैक्टराइज करना है कि फाइव का डिफरेंस आए तो एट एंड थ्री विल बी द आंसर एट इंटू थ्री एक्स विल बी इक्वल टू एट ऑप्शन ओके ठीक है कोई समस्या नेक्स्ट क्वेश्चन सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमीटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज थर्टी इफ टू इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड टू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर देन द फ्रैक्शन बिकम्स टू बाई थ्री तो न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर एक सेकेंड न्यूमरेटर प्लस डिनोमीटर इज गिवन एज थर्टी ठीक है तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमीटर इज गिवन एज थर्टी दिस इज गिवन एज थर्टी और फिर हमसे कह रहा है कि अगर न्यूमरेटर में हम टू ऐड कर दें लेकिन न्यूमरेटर प्लस टू और डिनोमीटर में हम टू सब्ट्रैक्ट कर दें तब फिर रेशियो हमारा बन रहा है कितना टू बाई थ्री दिस इज टू बाई थ्री ओके क्या हमारा सम चेंज हुआ है दोनों केसेस में भाई पहले हमारा न्यूमरेटर प्लस डिनोमीटर थर्टी था अब न्यूमरेटर में टू रहे हो डिनोमीटर में टू रहे हो तो इफेक्टिवली अगर हम अभी भी इन दोनों चीज़ों को ऐड करें तो सम तो अभी भी थर्टी आ रहा है सम तो अभी भी थर्टी आ रहा है क्योंकि अगर सम से पिक कर लेते हैं हम इस बात को सम थर्टी आ रहा है और टोटल हमारा सम आ रहा है राइट हैंड साइड में टू प्लस थ्री फाइव यूनिट्स का फाइव यूनिट्स का है कि नहीं तो यानी कि फाइव यूनिट्स इज इक्वल टू थर्टी तो वन यूनिट आ जाएगा सिक्स अगर ये बात समझ में आती है तो टू यूनिट हो जाएगा ट्वेल्व और थ्री यूनिट हो जाएगा एटीन तो स्टेट ऑफ हम कंपेयर कर सकते हैं तो एन प्लस टू हमारा ट्वेल्व आ रहा है डी माइस टू एटीन आ रहा है तो एन इज टू टेन आ गया और डी इज इक्वल टू ट्वेंटी आ गया यानी कि टेन बाई ट्वेंटी विल बी अप्रोफ्रैक्शन वन बाई टू इज द आंसर ऑप्शन ए ऑप्शन ए इज इट क्लियर ठीक है ये तो तब हो गया जबकि हमने कंपेयर कर लिया ले। लेकिन हमेशा से जरूरी नहीं है कि न्यूमेटर में हमने टू ऐड किया है तो डिनोमिनेटर में टू ही सप्लाइक करें यानी कि हमारा सम सेम आए तो डिफरेंट भी आ सकता है तो उस केस में करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई ठीक है तो वैल्यू आ जाएगा हमारा थ्री एन प्लस सिक्स इज इक्वल टू टू डी माइनस फोर ओके फ्रॉम दिस वी आर गेटिंग थ्री एन इज इक्ल टू टू डी माइनस टेन और एन आ जाएगा हमारा या फिर थ्री एन को ही रखो थ्री एन इजो टू डी माइनस टेन और फिर इक्वेशन में रखना पड़ेगा तो थ्री टाइम कर दो तो थ्री एन प्लस थ्री डी इज इक्वल टू थर्टी और थ्री एन की जगह टू डी रख दो तो टू डी माइनस टेन प्लस थ्री डी इज इक्वल टू थर्टी तो फाइव डी इज इक्वल टू फोर्टी एक सेकेंड टू डी माइनस टेन ठीक है थ्री एन हमारा माइनस टू डी माइनस टेन ही तो आ रहा है तो फाइव डी कितना आ जाएगा फोर्टी आ जाएगा एक गबड़ कहाँ पे हो रहा है एग्जैक्टली थ्री एन प्लस सिक्स इज टू डी माइनस फोर करेक्ट थ्री एन इज़ टू डी माइनस टेन जब थ्री से इसको मल्टीप्लाई किया है तो ये भी तो थ्री से मल्टीप्लाई होगा नाइन्टी हो जाएगा ये जा ठीक है दिस विल बी इक्वल टू नाइन्टी सो नॉ फाइव डी विल वीवल टू हंड्रेड डी विल्वल टू 20 एंड सो ऑन क्लियर ठीक है और यहाँ से एन टेन आ जाएगा बट इस क्वेश्चन में इतना नहीं करने की जरूरत थी बिकॉज स्ट्रेट अवे हम कंपेयर कर सकते हैं और क्वेश्चन हमारे लिए ईजिली सॉल्व हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इफ कॉस्ट टू द पार फोर ए माइनस साइन टू द पार फोर ए इज इक्वल टू पी तो पी की वैल्यू क्या होगी वी कैन राइट कॉस्ट टू द पार फोर ए माइनस साइन टू द पार फोर ए है स स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर एडसलू वन ओनली ये तो वन हो गया तो बच गया हमारा कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर है बट स्ट्रेट अवे तो ये किसी ऑप्शन में दिया नहीं है ऑप्शन में सारी वैल्यूज दी है कॉस में तो साइन स्क्वायर ए को भी कॉस में कन्वर्ट कर दो क्या समस्या है माइनस के बाद ब्रैकेट में रखना है ये ध्यान रखना है ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा तो दिस टू कॉस स्क्वायर माइनस ऑप्शन ए क्लियर है ठीक है ऑप्शन ए विल बी द आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन

दिस इज थ्री ट्वेंटी फोर तो एक्स स्क्तर प्लस वन बाई स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ थ्री ट्वेंटी फोर यानी कि एटीन एटीन ठीक है अब वैसे तो होता प्लस माइनस एटीन बट हमें क्लियरली गिवन है कि एक्स इज ग्रेटर देन वन वैसे भी यह परफेक्ट स्क्वायर है स्क्वायर है ठीक है ठीके? तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा यानी कि एटीन आ जाएगा इज इट क्लियर ठीक है अगेन अब हमें क्या चाहिए हमको इफेक्टिवली चाहिए एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब यानी कि यहाँ तक हम कैसे पहुँच सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वन बाय एक्स क्यूब होगा दिस इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब से इसको कम्पेयर करो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है डेट इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी तो सिमिलरली दिस विल बी ए माइनस बी यानी एक्स माइनस वन बाई एक्स और ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वन बाई एक्स इक्वल टू वन ऑनली अब हमें एक्स स्क् प्लस की वैल्यू तो मिल गई है बट x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू चाहिए यानी कि हमें x माइनस वन बाई एक्स के होल स्क्वायर में इसको चेंज करना पड़ेगा एज so? तो माइनस टू कर दोन माइनस टू विच इज सी नाउ दिस इज एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर विच इज सिक्सटीन क्योंकि एक्स हमारा पॉजिटिव है ग्रेटर देन वन है एक्स ग्रेटर देन वन है तो एक्स विल भी पॉजिटिव होगा एक्ट्रे एक्टेक्स माइनस वन बाई एक्स जब स्क्वायर रूट लोगे तो दिस विल बी इक्वल टू फोर ओनली दिस विल बी इक्वल टू फोर इज दैट क्लियर तो हमें दिस वैल्यू इज फोर एंड दिस वैल्यू इज एटीन प्लस आंसर आ जाएगा फोर इन टू विच इज सेवेंटी सिक्स विच इज सेवेंटी सिक्स ऑप्शन ओके क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन इफ द डायमीटर ऑफ डायमी स्पेयर इज फोर्टीन सेंटीमीटर वॉट इज द सर्फेस एरिया डायमीटर फोर्टीन है तो रेडियस हो गया सेवन और सरफेस एरिया ऑफ अर इज फोर आर स्क्वायर एंड वी नो कि अगर रेडियस सेवन है तो पाई आर स्क्वायर क्या होता है वन फिफ्टी फोर होता है तो फोर इंटू वन फाइव फोर आंसर विल बी सिक्स वन सिक्स ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन इज द लार्जेस्ट अमंग द गिवन फ्रैक्शंस और फ्रैक्शंस क्या गिवन हमें फाइव बाई वन वन थ्री सेवन बाई वन ट्वेंटी थर्टीन बाई वन फोर्टी फाइव एंड सेवेंटीन बाई वन सिक्सटी जब भी हमें फ्रैक्शन गिवन हो और अगर कंपेयर करना है उनको तो हमेशा हमें कंपेरिजन में, में, में कोशिश करना चाहिए क्योंकि क्या इनको परसेंटेज से कंपेयर कर सकते हैं परसेंटेज वैल्यू से कंपेयर कर सकते हैं या न्यूटेड डिनोमीटर को कंपेयर करके ठीक है अगर हम कंपेयर करना सीख जाएंगे परसेंटेज से तो हमें दिख रहा है कि फाइव बाई वन वन थ्री जो है दैट इज लेस देन फाइव परसेंट इज एट इट सो दिस इज लेस देन फाइव परसेंट सेवन बाई वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी का फाइव परसेंट होगा सिक्स दिस इज ग्रेटर देन फाइव परसेंट दिस इज स्लाइटली लेस देन टेन परसेंट और दिस इज सेवेंटीन बाई वन सिक्सटी क्लियरली ग्रेटर देन टेन परसेंट क्वेश्चन में लार्जेस्ट फ्रैक्शन पूछा लार्जेस्ट फ्रैक्शन तो वही होगा जो सबसे बड़ी वैल्यू देगा सेवनटीन बाई वन सिक्सटी यानी कि ऑप्शन डी ऑप्शन डी क्या ही बात समझ में आती है ठीक है ओके okay. क्या ही बात क्लियर है ऑल्सो अगर हमें दो फ्रैक्शन को कंपेयर कराना है कभी भी तो सबसे अच्छा तरीका क्या है उनको कंपेयर कराने का अगर वैल्यूज कॉम्प्लेक्स हैं या समझने में दिक्कत हो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ठीक है और जिसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो डिनोमिनेटर से उस साइड में ही वैल्यू रखोगे यानी कि फाइव इंटू वन ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड आएगा लेफ्टाइड में आएगा वन थर्टीन इंटू सेवन दिस इज सेवन हंड्रेड नाइन्टी वन राइट हैंड साइड में आएगा और क्लियरली सिक्स हंड्रेड इज लेस देन सेवन नाइन्टी वन तो हमारा फ्रैक्शन भी लेसर होगा इज इट क्लियर ठीक है बेसिकली हम एल्सियम ले रहे हैं वन थर्टीन और वन ट्वेंटी का और इसीलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं ठीक है so, सो हमारा जब डिनोमीटर सेम आ जाएगा तो नोनोमीटर को कंपेयर कर सकते हैं और नोमी जिसका छोटा होगा वो हमारा फ्रैक्शन भी छोटा होगा दैट इज वाई सिक्स हंड्रेड्रेड्रेड्रेड इज लेस देन सेवन नाइन्टी वन एंड हेंस फाइव बाई वन वन थ्री विल ऑल्सो बी लेसर देन सेवन बाई वन ट्वेंटी और इस तरह से तुम बाकी फ्रैक्शन को भी कंपेयर कर लो आंसर आ जाएगा क्लियर है यहां पे तो प्रेजेंटेशन सीधे सीधे वैल्यू दिख रही है बट इन जनरल किसी और क्वेश्चन में तुम ये अप्लाई कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट रुपीज थ्री टू डबल जीरो इज डिवाइडेड अमंग ए बी एन सी इन द रेशियो थ्री टू फाइव टू एट वट इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ बी एन सी थ्री फाइव और एट के शेयर में डिस्ट्रीब्यूट किया है ए बी सी को अमाउंट और थ्री प्लस फाइव प्लस एट कितना जीरो रुपीज़ है कि 200 हुआ? और डिफरेंस पूछा है बी और सी का बी और सी में डिफरेंस आया थ्री यूनिट्स का यूनिट्स हो जाएगा थ्री इंटू टू हंड्रेड यानी कि सिक्स हंड्रेड रुपीज़ Which is option B. Option B. Next, what is the area in a square centimeter of a rhombus if the length of the diagonals are 25 and 20? In rhombus, mein, if one diagonal is 20, another diagonal is 25, okay? 20 or 25, hai. area of rhombus kya hota hai? that is 1 by 2 into length of diagonal 1. Into length of diagonal 2. That will be 1 by 2 into 25 into 20 to 500 by 2, which is 250 square centimeter. Option B. Is it clear? Okay. Next question. In the following question, correct the given equation by interchanging two numbers. I am given a 8 into 3 divided by 4 plus 9 minus 5 is equal to 16. और हमको करना है इंटरचेंज कि नहीं दो नंबर्स को ओके okay. ठीक है अगर हम थ्री और फोर को इंटरचेंज करेंगे तो क्या बनेगा एट इंटू फोर डिवाइड बाई थ्री डज़ नॉट मेक सेंस बिकॉज फिर इंटीजरी वैल्यू नहीं आएगी रिजन सो इंटीजरी नहीं आएगी फिर तो और फोर और एट को इंटरचेंज करेंगे तो हो जाएगा फोर इंटू थ्री डिवाइडेड बाई एट अगेन इंटीजर वैल्यू नहीं आएगी और जहाँ पर ही नहीं आएगा क्योंकि क्लियर सी बात है देखो, तो ना देखो अपना ये पोर्शन अलग है यानी कि इसको कैलकुलेशन पहले करोगे प्लस माइनस नाइन फाइव सिक्ड टू सिक्सटी ये सारी के सारी वैल्यूज से तो इंटीजर आने वाला है फर्क पड़ता है सिर्फ डिवाइड करने से तो डिवाइड करने के केस में तुम्हारा जैसे ही तुम इंटरचेंज करने वाले हो थ्री और फोर को तो इंटीजर नहीं आएगा फोर और एट को करोगे तो भी इंटीजर नहीं आएगा और एक्चुअल में आंसर हमारा आ तो इंटीजर ही रहा है ठीक है फाइव और थ्री को इंटरचेंज करोगे तो यानी कि फाइव की जगह हो जाएगा थ्री और थ्री की जगह हो जाएगा फाइव सो दिस विल बिकम एट इंटू फाइव

तो फॉर फॉर फर्स्ट थ्री ईयर्स फ्रॉम फर्स्ट थर्ड ईयर का इंटरेस्ट रेट है सिक्स परसेंट है तो सिक्स परसेंट इंटू थ्री हो जाएगा नेट में टोटल इंटरेस्ट रेट क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है बेसिकली क्योंकि अगर हमें गिवन नहीं है कि इंटरेस्ट क्या होगा तो सिंपल इंटरेस्ट होगा हमेशा ठीक है बिकॉज दैट इज सिंपलेट दैट इज ऑब्वियस और नाइन परसेंट है फॉर नेक्स्ट फाइव ईयर्स यानी कि फोर्थ से लेकर एर्थ ईयर तक इंटरेस्ट है नाइन परसेंट नाइन परसेंट इंटू फाइव विल बी दिम्पल इंटरेस्ट चार्ज फॉर नेक्स्ट फाइव ईयर्स इसके बाद में इयर्स बच गया टोटल इलेवन इयर्स है तो नाइन से इलेवन यानी कि थ्री मोर ईयर्स के लिए फिर इंटरेस्ट रेट क्या होगा थर्टीन परसेंट तो थ्री इंटू थर्टीन परसेंट सिक्स परसेंट इंटू थ्री एटीन परसेंट प्लस फोर्टी फाइव परसेंट प्लस थर्टी नाइन परसेंट एटीन प्लस फोर्टी फाइव सिक्स प्लस थर्टी नाइन प्लस फोर्टी वन जीरो टू परसेंट ऑफ प्रिंसिपल उसकी वैल्यू हमें गिवन है दैट इज रुपीज एट वन सिक्स जीरो एट वन सिक्स जीरो वन जीरो टू तो से एट टाइम्स जाएगा यानी कि वन परसेंट इज इक्वल टू एटी और अगर वन परसेंट एटी है तो हंड्रेड परसेंट आ जाएगा एट थाउजेंड रुपीज ऑप्शन ए क्लियर ठीक है अगर जरा सा भी कंफ्यूजन हो तो क्या करोगे वन जीरो टू परसेंट पता है हमको तो पी विल बी इक्वल टू एट वन सिक्स जीरो इन टू हंड्रेड बाई वन जीरो टू ध्यान क्या रखना है कि क्योंकि बहुत सारे बहुत बार गलती क्या करते हो तो तुमको जीरो का आइडिया नहीं लगता कि एट थाउजेंड होगा एट हंड्रेड होगा ठीक है तो वन जीरो टू परसेंट अगर एट वन सिक्स जीरो आ रहा है तो हमें पता है कि इसके आसपास की वैल्यू होगी ये ध्यान रखना है ठीक है क्लियर तो यानी कि एट थाउजें आंसर होगा जीरो का ध्यान हमेशा रखना है जीरो वाली गड़बड़ नहीं करनी क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कन्फ्यूज़ किया जा सकता है जीरो से कि तुमको एक जीरो कम दे दिया और फिर नवदेज ऑप्शन दे दिया तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है सीधे सीधे अपना जो लॉजिक है बेसिक है उसको ध्यान में रखना है एक कभी प्रेशर में क्योंकि एग्जाम में जो स्ट्रेस होता है कई बार कई लोग इतना स्ट्रेस में होते हो कि बहुत बेसिक बेसिक गलतियां करते हो बहुत नॉर्मल है करते हैं लोग बट अवॉइड करोगे तो बेहतर है क्योंकि कर दोगे तो फिर नुकसान ही है नेक्स्ट वन इन हाउ मेनी वेज डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड जज बी अरेंज्ड इन सच ए वे दैट द वॉवल्स ऑलवेज कम टुगेदर वॉवल्स को हमेशा साथ में रखना है यू वॉवेल है और ई e वॉवेल है तो यू और ई e को हमें एक ही ग्रुप में रखना पड़ेगा एक साथ इनको क्लब कर दो बच गए जी डी और जी अब चार ग्रुप्स को अरेंज करना है फोर फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हो और यूरी आपस में तो अरेंज हो सकते हैं टू फैक्टोरियल तरीकों से फोर फैक्टुअल इंटू टू फैक्टोरियल यानी कि ट्वेंटी फोर इंटू टू टू आंसर विल बी फोर्टी एट फोर्टी एट द आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इन अ मिल्क शॉप देयर आर थ्री वेराइटीज ऑफ मिल्क प्योर क्योर एंड ल्योर द प्योर मिल्क हैज हंड्रेड परसेंट कंसेंट्रेशन मिल्क हैज इट इज प्योर रेशियो ऑफ मिल्क इज टू वाटर इन द क्योर इज टू इज टू फाइव और लोअर में रेशियो है थ्री टू एट का मिल्क और वाट का सोनालीटर एंड ट्वेंटी टू लीटर लोअर मिल्क एंड मिक्स दम इफीटेड टू मेक देशन ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर ऑफ द मिल्क परचेज टू फिफ्टी परसेंट तो कितना उसको प्योर मिल्क भी मिक्स करना पड़ेगा तो पहले क्योर और लोअर की बात कर लेते हैं और लोअर की बात कर लेते हैं क्योर में मिल्क और वॉटर का रेशियो क्या है टू फाइव का है और ल्योर में रेशियो है हमारा थ्री टू एट का ओके थ्री टू एट का रेशियो है अब सबसे पहले तो देखो जब हमें गिवन है टू प्लस फाइव कितना आ रहा है सेवन यूनिट्स आ रहा है और थ्री प्लस एट आ रहा है इलेवन यूनिट्स तो सबसे पहले दो चीजों को कंपेरेबल बनाना पड़ेगा अगर हमें जब तक क्वांटिटी सेम नहीं करेंगे तो हम फोर्टीन लीटर्स और ट्वेंटी टू लीटर्स कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं सो तो सबसे पहले इनका रेशियो सेम करना पड़ेगा यानी क्वालिटी उसको सेम करना पड़ेगा टोटल रेशियोज को सेम करना पड़ेगा पड़े तो पहले वाले केस में क्योंकि सेवन आ रहा है दूसरे में इलेवन आ रहा है तो सेवन वाले को इलेवन से मल्टीप्लाई कर दो और इलेवन वाले को सेवन से तो अब दोनों सेवेंटी सेवन में हो गए अब इक्वल तो हो गए लेकिन हमें इक्वल नहीं चाहिए हमको क्या चाहिए फोर्टीन लीटर्स चाहिए है क्योर और 22 टू लीटर चाहिए प्योर तो अब 14 से मल्टीप्लाई कर दो पहले वाले को और 22 से कर दो दूसरे वाले को ओके okay. क्लियर है अच्छा जो चीज़ें कॉमन दिख रही हैं तो मल्टीप्लाई करने से पहले उनको कैंसिल आउट कर सकते हैं इलेवन से कैंसिल करेंगे तो इलेवन यहाँ पर टू बचा और सेवन टू फोर्टीन यानी कि ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो इफेक्टिवली स्ट्रेट अवे ऐड हो जाएगा सीधे सीधे ऐड हो जाएगा वेरी सिंपल क्वेश्चन थ्री प्लस टू इज़ फाइव एट प्लस फाइव इज थर्टीन फाइव थर्टीन का रेशियो आ रहा है और टोटल वॉल्यूम कितना है ये है 5 13 is 18, और 18 कितने के बराबर है? टोटल वॉल्यूम है है यानी तो यानी कि कि के के तो से बराबर क्लियर और हमें करना है मिल्क और वाटर को इक्वल मिल्क को फिफ्टी परसेंट करना है यानी कि दोनों के इक्वल करना है तो क्लियरली ऑलरेडी मिल्क है तो एट यूनिट्स हम यहाँ पे मिल्क को ऐड कर देंगे तो थर्टीन इज टू थर्टीन हो जाएगा ओके और वन यूनिट इज टू लीटर्स एट यूनिट हो जाएगा एट इंटू टू यानी सिक्सटीन लीटर्स सिक्सटीन लीटर्स ऑप्शन सी इज द आंसर क्लियर है ओके okay. ठीक है ऑल्सो जैसे ही हमें मिला था रेशियो सेवन और इलेवन तो यहां पे भी सोच सकते थे कि हमें फोर्टीन लीटर्स ऐड करना है ट्वेंटी टू लीटर्स जो कि इन दोनों का डबल ही है यानी कि जो हमें रेशियो मिले हैं हमें इसी रेशियो में ही ऐड करना है तो स्ट्रेट अवे और भी कुछ कहानी करने की जरूरत नहीं है ठीक है बट ये ऐसा इस क्वेश्चन में मिल गया है, हमेशा ऐसा नहीं होगा इसलिए हमें प्रॉपर समझ भी आनी चाहिए कि हमें प्रॉपरली कैसे सॉल्व करेंगे कैसे को इक्वल करेंगे ठीक है है तो ये चीज भी प्रैक्टिस में रखना है, यहां पर तो सीधा सीधा है पर हमेशा ऐसा नहीं होगा नेक्स्ट अवेल कंटेन्सर्स ऑफ प्योर हनी इफ एम लीटर्स ऑफ प्योर हनी इज रिप्लेस विद एन लीटर्स ऑफ वाटर देन रेशियो ऑफ हनी टू वाटर बिकम्स टेन इज टू वन एंड इफ टू एम लीटर्स टू एम लीटर्स ऑफ प्योर हनी वॉज रिप्लेस बाई एन लीटर्स ऑफ वाटर तब रेशियो क्या हो जाता है एट so हनी तो बट फिर हमने क्या किया हनी और वाटर एम लीटर्स ऑफ प्योर हनी को रिप्लेस किया है एन लीटर से यानी कि दोनों में डिफरेंस है ठीक है एक्चुअली रिप्लेसमेंट तब होता है जबकि आप सेम क्वांटिटी को निकालो और सेम क्वांटिटी को निकालो इन जनरल ठीक है बट यहां पे ऐसा नहीं है यहां पे m लीटर्स को निकाल रहा है यानी कि 60 माइनस एम बचेगा हनी और फिर n लीटर्स हम वाटर ऐड कर रहे हैं और ये रेशियो कितना आ रहा है टेन एस टू वन का टेन एस टू वन का रेशियो आ रहा है तो इफ n इज इक्वल टू वन तो टेन की वैल्यू क्या है सिक्स माइनस एम सिक्सटी माइनस एम इज इट्स तो क्या हम कह सकते हैं कि सिक्सटी माइनस एम टेन टाइम्स ऑफ एन है टेन टाइम्स ऑफ वन है तो दिस विल बी इक्वल टू भी एन सिक्स विल बी इक्वल टू एम प्लस टेन एन क्या ये बात क्लियर है ठीक है ओके ये तो फर्स्ट सीनारियो हो गया सेकेंड सिनारियो में क्या हो रहा है कि हम टू एम को रिप्लेस कर रहे हैं एन से यानी कि टू एम हनी निकाल रहे हैं तो सिक्सटी माइनस टू एम बचेगा और एड एन ही कर रहे हैं और रेशियो आ रहा है एटीज टू वन का अगेन पहले वाले केस में भी एन वाज इक्वल टू तो वन यूनिट और यहाँ भी एन इज इक्वल टू वन यूनिट और सिक्सटी माइनस एम पहले वाले केस में टेन यूनिट था सिक्सटी माइनस टू एम 8 है, तो क्या यहां से समझ पा रहे हो 60 टू एम इफेक्टिवली क्या है दिस इज -M, M, ठीक है? और अगर पहले वाले केस में दिस और अब ये वैल्यू एट आ रहा है तो यानी कि एम मस्ट बी ये बात क्लियर है और अगर ऐसा क्लियर है तो एम हमारा इक्वल टू टू एन हो जाएगा M सिक्सटी विल बी इक्वल टू ट्वेल्व एन यानी कि एन इज इक्वल टू फाइव आ गया और एन इज इक्वल टू फाइव आते ही एम डबल आ जाएगा ऑप्शन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द प्राइस ऑफ अ कार इज रुपीज थ्री टू फाइव ट्रिपल जीरो इट वॉज इंश्योर टू एटी फाइव परसेंट ऑफ इट प्राइस यानी कि अगर कुछ एक्सीडेंट होगा कुछ भी नुकसान होगा तो एटी फाइव परसेंट प्राइस मिल जाएगा द कार वॉज डैमेज कंप्लीटली इन एक्सीडेंट और इंश्योरेंस कंपनी ने नाइन्टी परसेंट ऑफ द इंश्योरेंस पे कर दिया एटी फाइव परसेंट तक इंश्योर्ड था और नाइन्टी परसेंट ऑफ द इंश्योर्ड अमाउंट कंपनी ने पे किया है सो वट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ द कार एंड द अमाउंट रिसीव्ड ठीक है तो एटी फाइव परसेंट तक इंश्योरेंस था और एटी फाइव परसेंट का नाइन्टी परसेंट यानी नाइन बाई टन मिला है तो नाइन बाई टन कितना होगा एटी फाइव परसेंट टेन परसेंट कितना हुआ एट पॉइंट फाइव परसेंट एटी फाइव परसेंट सप्लाई कर दो एटी फाइव माइनस नाइन सेवेंटी और क्वेश्चन में हमसे हंड्रेड परसेंट और सेवेंटी का डिफरेंस पूछ रहा है यानी कि 24 point, की वैल्यू पूछ रहा है ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव प्राइस का थ्री लाख ट्वेंटी फाइव का ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव परसेंट ओके ट्वेंटी परसेंट क्या होगा बजाए के मल्टीप्लाई करने के अवे पार्ट्स में ब्रेक कर लो ट्वेंटी परसेंट कितना 1 by 5 65, okay. और थ्री लाख ट्वेंटी परसेंट हो गया टू परसेंट वन टेंथ होगा इसका डबल जीरो वन परसेंट इसका भी हाफ होगा यानी कि थ्री टू फाइव जीरो और पॉइंट फाइव परसेंट इसका भी हाफ होगा यानी कि प्लस सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड कितना हो गया सेवेंटी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेवेंटी फोर थाउजेंड सेवन फिफ्टी ओके और फिर सेवेंटी फाइव थाउजेंड सेवन फिफ्टी प्लस सिक्स ट्वेंटी फाइव यानी कि सेवेंटी सिक्स थाउजेंड सेवेंटी फाइव ऑप्शन सी इज द आंसर क्लियर ओके आर्ट्स में ब्रेक कर दो कैलकुलेशन आसान हो जाता है और साथ में जैसे ऑप्शन गिवन है तो रेंज में भी आइडिया लग जाता है कि क्या हमारा वैल्यू आने वाला है तो एड करने की भी जरूरत ऐसा सच नहीं पड़ेगी क्योंकि जैसे ट्वेंटी परसेंट हमें मिला सिक्सटी फाइव थाउजेंड टू परसेंट सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेवेंटी वन थाउजेंड फाइव हंडेड पर अपना आंसर पहुंच गया है और अब इसके बाद में बहुत बड़ी वैल्यू नहीं आने वाली है क्लियर है ठीक है तो यहाँ से इसके बाद वन परसेंटेंटेंटेंटेंट थ्री टू फाइव जीरो एड करो तो क्लियर है हमारा आंसर ऑप्शन सी आएगा और कुछ नहीं आएगा इसके बाद क्लियर बहुत ज्यादा एडिशन करने का भी जरूरत नहीं है ऑप्शन को देख के और अपने एस्टिमेशन के हिसाब से अप्रोक्सिमेशन के हिसाब से वी कैन गेट टू द आंसर दीज आर ऑल द क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन आई बिलीव सेशन आपको पसंद आगे क्वेश्चन समझ में आऊंगे किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर डाउट रहा हो तो कमेंट तो में जरूर मेंशन करना अगर सेशन पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करना है बहुत सारे लोग देखते हो अच्छा लगता है पर लाइक नहीं करते हो या चैनल को अब सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना ठीक है और आई एम ट्राइंग कि हर वैरायटी के क्वेश्चंस को हम एड्रेस करें हर वैराइटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करें और साथ में लॉजिकल रीजनिंग के भी कुछ सेशंस को लाएंगे एक्सैक्ट रीजनिंग के भी कुछ सेशन करेंगे पर अगर तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो देख रहे हो अटेंटिवली ठीक है और फ्रेंड्स से भी जरूर शेयर करो और अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक करो एंड यू कैन टेलीग्राम एट ए डी आई टी वाई ए के टी एंड ज्वाइन ग्रुप गैट जैट एम बैट इज़ ऑल फॉर दिस सेशन बाय टेक केयर